नमस्कार दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे सोना कॉमस्टार के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 14 जून यानी मंडे को आपको खुलता हुआ दिखेगा। 14 से लेकर 16 जून में इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये एक इंडियन ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से बेस्ड कंपनी है, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स बनाती है। और इसके एंकर इन्वेस्टर्स की और MFS और फंड हाउसेस की लिस्ट को मैं अगर आपको दिखाऊं तो सारे बड़े एंकर इन्वेस्टर्स और बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इसमें एज ए एंकर इन्वेस्टर निवेश किया है और काफ़ी शानदार इसको बहुत ही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट में आप कंपनी का इंट्रो दे देता हूँ। कंपनी 1995 से इंडिया में काम कर रही है। सोना BLW प्रिसीजन फॉगिंग्स लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज इन इंडिया। द कंपनी इज प्राइमरी एंगेज्ड इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई हाई क्वालिटी मिशन क्रिटिकल ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स सच एज डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स एक्सेट्रा। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 10 ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में इस कंपनी का भी नाम आता है। और साथ ही ये जो सप्लाई अपना प्रोडक्ट करती है वो बाहर भी देश के साथ विदेशों में भी करती है, सच एस इंडिया, US, यूरोप एंड चाइना। और 9 इनके मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट्स फैसिलिटीज़ है अक्रॉस द USA। इंडिया में 6 हैं, चाइना और मैक्सिको। उसके साथ ही कंपनी का टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो ईयर 2018-19 का अगर आपको बताऊं तो टोटल एसेट आप देख सकते हैं 16,325 मिलियन से बढ़कर कंपनी का एक साल में 18,506 मिलियन देखने को मिला। वहीं अगले साल बढ़कर 21,748 मिलियन देखने को मिला है। और टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू देख सकते हैं आप 7,025 मिलियन, 10,437 मिलियन और 15,686 मिलियन आप बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं। और वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1731 मिलियन से बढ़कर 3603 मिलियन कंपनी ने किया। और ईयर 2021 का में आप थोड़ी सी गिरावट देख सकते हैं, 2151 मिलियन आप यहां देख सकते हैं। ये कमी इस वजह से आप समझ सकते हैं क्योंकि ईयर 2021 का ये डेटा है पूरे साल भर का। तो 20 में अप्रैल के बाद से जो लॉकडाउन लगा था पिछले साल, वो 3 महीने का, यहां पे 3-4 महीने का कंपनीज को सभी को काफ़ी जो है लॉस झेलना पड़ा था लॉकडाउन के चलते, तो वो उसके तहत एक कुछ गिरावट आप यहां पे देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे तो चौदह जून 2021 से लेकर 16 जून तक इसका आईपीओ खुला रहेगा। और ₹10 इक्विटी शेयर की वैल्यू है, 285 से 291 इसके प्राइस बैंड रखा गया है। और एक लॉट अगर आप लगाते हैं तो 51 शेयर्स एक लॉट में आएंगे। BSE NSE दोनों पर इसकी लिस्टिंग आपको होते हुए देखने को मिलेगी। और एक लॉट अगर 51 शेयर का आप लगाते हैं तो आपके ₹14,841 टोटल आपको पे करने पड़ेंगे। तो देखिए आगे थोड़ी सी खबर के बारे में बात करते हैं। ब्लैकस्टोन बैक्ड सोना कॉमस्टार रेजेस 2498 करोड़ इन एंकर अलॉटमेंट अहेड ऑफ आईपीओ। तो ये कंपनी जो है ना ब्लैकस्टोन की बैक्ड है। ब्लैकस्टोन जो एक इन्वेस्टमेंट फंड है बेसिकली, उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा इस कंपनी में ऑलरेडी है। तो देखिए आगे आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द एंकर बुक अलॉटमेंट इंक्लूडेड 24 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। 24 जो ऐसे हैं जो फॉरेन FPIs हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है एंकर इन्वेस्टर के तहत। और 11 जो है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है, 5 इंश्योरेंस कंपनीज है, 2 AIFs है, ये कंपनी ने बताया। द कंपनी इन्फॉर्म द ब्राउजर दैट इट हैज़ अलॉटेड 8.6 करोड़ शेयर्स टू दीज इन्वेस्टर्स एट द प्राइस ऑफ 291। तो 286 से 291 इनका प्राइस बैंड है। और एंकर को हमेशा जो हायर प्राइस बैंड पे ही मिलता है, 291 पर शेयर के प्राइस पे इनको एंकर इन्वेस्टर के तहत शेयर्स अलॉट किए गए हैं। उसके अलावा इस जो इस कंपनी में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट GIC एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर सरकार ने भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट किया। 401.5 करोड़ की एंकर बुक इन्होंने इन्वेस्ट की है। उसके अलावा अदर फॉरेन फंड्स की बात करें तो अदर इन्वेस्टर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दी एंकर अलॉटमेंट इंक्लूड नोमेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फिडेलिटी, ईस्टर स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। और उसके अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंडियन की बात करें तो देखें सारे बड़े नाम आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। SBI म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, एक्सिस MF है, बिरला, SDFC और उसके अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोटक म्यूचुअल फंड, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, बिरला लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा, इन्वेस्टको MF, कैनरा, रोबोको MF, सुंदरम MF, IIFL, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एडलविस अमंग दी अदर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द एंकर अलॉटमेंट। और आगे आप देख सकते हैं टोटल 5550 करोड़ का आईपीओ का टोटल साइज़ है। उसमें से जो विद अ फ्रेश इशूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कर रहे हैं ये लोग 300 करोड़ के फ्रेश इशू शेयर्स कर रहे हैं। और वहीं जो
5,250 करोड़ के आईपीओ जो है ओएफएस के जरिए ब्लैक स्टोन अपनी स्टेक को रिड्यूस करेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हिस्सा ब्लैक स्टोन का इस कंपनी का ब्लैक स्टोन के पास है। एक और कंपनी की वेबसाइट में आपको दिखा सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी एडवांस्ड जो ऑटोमेटिव ये कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। काफ़ी बड़े जो नाम हैं मारुति से लेकर अपने आईशर से लेकर सारे जो इंडियन और फॉरेन ब्रांड जो हैं ये लोग इनको अपने प्रोडक्ट की जो है सप्लाई करते हैं। और कंपनी काफ़ी यू आप समझ सकते हैं कि एक काफ़ी टेक्निकली एडवांस्ड कंपनी है ऑटोमेटिक के फील्ड में, तो इसका आईपीओ आपको काफ़ी बढ़िया सक्सेस होते हुए ज़रूर देखने को मिलेगा। कम से कम भी बात करें तो 60 से 70 गुना आराम से आईपीओ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और आईपीओ जो ये अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो निफ्टी ऑटो को आप देख सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के सेक्टर में पिछले 2018 के बाद से लगातार जो गिरावट आ रही थी उसमें भी आपको एक बढ़त नए सिरे से देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक सारे एक चमकते हुए आप देख सकते हो। किसी समय फॉर एग्जांपल अशोक लीलैंड की बात करें जो 37-40 रुपए के प्राइस पे अवेलेबल था पिछले साल, वो आप देख सकते हैं 125 से 30 रुपए के बीच आज आपको दिख जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में आपको नए सिरे से एक साइकिल का रीस्टार्ट जोन अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट होते हुए आप देख सकते हैं। तो देखिए वहीं अगर अपन बात करें कि इस आईपीओ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़ेरोधा अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़ेरोधा में कैसे आईपीओ में अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप यहां देख सकते हैं आईपीओ विंडो में फिलहाल आपको कोई भी आईपीओ नहीं दिखाई देगा। मंडे को आपको यहां इस आईपीओ का नाम दिखाई देगा, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है वो मंडे को शाम तक एक वीडियो बना के आपको अप्लाई करना बता दूंगा। और आईपीओ में यहां बाकी आप डिटेल देख सकते हैं ज़ेरोधा ने जो यहां अवेलेबल करा रखी है। अपकमिंग आईपीओज में शाम मेटेलिक से लेकर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्गिंग का नाम आप यहां देख सकते हैं। और अप्लाई नाउ का बटन ऑन दे रखा है, लेकिन खैर अभी अप्लाई तो हो नहीं पाएगा, और ये सारी डिटेल यहां दे रखी है। तो चलिए शॉर्ट में वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।